हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज है 18 अगस्त। हम लोग कल पहुँचे देहरादून और ज़्यादा थक चुके थे। हम लोग रात को 3 बजे पहुँचे देहरादून, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल में थक चुके थे, इसीलिए सुबह से ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं हुआ। और अभी ब्लॉग कर रही हूँ 11:30 से स्टार्ट, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो अनायशा और वैशा के पापा सो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके थे, बहुत ज़्यादा गाड़ी चला के बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए वो सो गए, नहीं तो बैठे रहते। तो अभी मैं भी अनायशा को सुला के आई हूँ और मेरी आँखों से लग रहा हूँ ऐसी मोटी मोटी सी लग रही, क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हो रही, इस वजह से ऐसी मोटी होगी। तो मैं आई हूँ, अब 12 बजे में कुछ टाइम बचा है, तो अपना प्रिपरेशन कर लेती हूँ, भोग वगैरह जो लगता है और जो फलवार बनता है वो सब कुछ बनाती हूँ। और फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, कृष्ण भगवान जी बहुत ज़्यादा खुशियाँ बनाए रखे, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे। तो आज सभी अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे होंगे जन्माष्टमी, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई देहरादून में कोई 9-10 बजे ही पूजा कर लेते हैं, सबका परंपरा होता है, जिस तरह से वो फर्स्ट टाइम लेते हैं वैसे ही वो हमेशा करते हैं। और तो मैंने जब लिया था तो मैं 12 बजे ही खोलती थी व्रत को, तो वो भी फलवार करके, तो नेक्स्ट डे खाना खाते हैं। तो अभी मैं फलवार बनाती हूँ, मैं बना रही हूँ इसकी खीर, हमारी लैंग्वेज को बाथू बोला जाता है, तो इसकी खीर बना रही हूँ। और इसकी खीर और बनाऊंगी आलू का फलवार, मीठे आलू, मतलब आलू को फ्राई करना घी के साथ और उसको मीठा बनाना, उसका फलवार बनाऊंगी। तो जल्दी प्रिपरेशन कर लेती थी कि 20 मिनट बचे हैं 12 बजने में, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है और थोड़ा ज़्यादा घी लेना है। उसके बाद मैंने 2-3 आलू बॉईल किए हुए हैं, उसको मैश करके इसमें ऐड कर देना है और उसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको थोड़ा भूनते रहना है। और उसके बाद इसमें शुगर ऐड करनी है, शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मीठा कम या ज़्यादा, उसमें ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं फ्रूट काट रही हूँ, थाली पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ, और एक एप्पल लिया है मैंने और एक बनाना लिया है और उसको कट कर दिया है। और उसमें कौली में मैंने दही ली है और उसमें मैं मिश्री ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसका भोग भी चढ़ता है हमारे, हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी। और जो मैंने भोग बनाया है मीठा और खीर, वो भी मैं ऐड करूँगी थाली में। वैसे तो साबूदाना की खीर भी बनती है, पर मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरा ही फास्ट था। अगर किसी और का होता मेरे साथ, मतलब, तो बना सकते थे, क्योंकि और मन भी नहीं था खाने का, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है। और अनायशा को हम लोगों ने राता बनाया था, पर उसकी मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो इस साल की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, थोड़ी बहुत थकान तो थी, हम लोगों ने ट्रैवल किया और हम लोग उसी सुबह पहुँचे। अगर हम लोग 1 दिन पहले आते तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, पर जैसे भी था हम लोगों ने फिर भी सेलिब्रेट किया। नायशा को राधा बनाया और इतनी क्यूट लग रही थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़ी समझती है, इसीलिए मैंने उसको राधा बनाया, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो थोड़ी गर्मी की वजह से वो ड्रेस ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन पाई। तो गाइस, ये मेरी थाली तैयार हो गई है पूजा की, और ये मैंने छोटा सा मंदिर लिया है जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, और मैंने अपने भगवान जी इसमें रखे हुए हैं। ये हमारे मेरी भोग की थाली तैयार हो गई है, और सबसे पहले मैं अंदर पूजा करूँगी, उसके बाद मैं बाहर जा के पूजा करूँगी।
के 6 मिनट हो गए और मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। तो अब मैं करती हूँ फिलहाल, मैंने जो ये बनाया था उसकी बाथू की खीर और मीठा आलू का, हम उसको फिलहाल करूँगी। तो मैं आपको कल मिलूँगी इसके बाद।